आज के वीडियो में आपको शाहरुख खान के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेमस सुपरस्टार शाहरुख खान आजकल अपनी अपकमिंग मूवी डंकी की शूट में बिजी थे। शाहरुख खान की ये मूवी डंकी सऊदी अरेबिया में शूट हो रही थी और ये उसका लास्ट शूटिंग स्पेल था। शाहरुख खान काफी समय से सऊदी अरेबिया में थे और अपनी मूवी डंकी की शूट कंप्लीट कर रहे थे। रिसेंटली शाहरुख खान की मूवी की लास्ट पल शूटिंग खत्म हो चुकी है और उन्होंने एक हर्टफेल्ट वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान ने पहले सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और फिल्म का थैंक यू किया है कि उन्होंने उनकी इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में काम किया। और शाहरुख खान का कहना था कि देयर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन कंप्लीटिंग अ शूटिंग स्केड्यूल एज इज विद डंकी हियर इन सऊदी। There's nothing more satisfying than completing a shooting schedule as is with Donkey here in Saudi. So I want to thank Raju sir, Abhijat, Manoj and the rest of the cast and crew for making it so lovely. And a special thanks to the Ministry of Culture and Films here in Saudi for giving us such spectacular locations. Amazing arrangements and the warm hospitality. इसके साथ साथ शाहरुख खान की एक और पिक्चर भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि शाहरुख खान उमरा परफॉर्म कर रहे हैं। उमरा मुस्लिम धर्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन है और शाहरुख खान जब सऊदी अरेबिया में अपनी मूवी के शूट के लिए थे तो उन्होंने वहां पर उमरा भी परफॉर्म कर लिया और उनकी ये पिक्चर्स भी सामने आ रही है जिनमें देखा जा सकता है कि शाहरुख खान ने मास्क लगाया हुआ है लेकिन उनका फेस काफी विजिबल है। शाहरुख खान की मूवी डंकी की रिलीज की बात करें तो ये मूवी अप्रैल 2022 में रिलीज होगी और इसमें उनके साथ तापसी पन्नू है। शाहरुख खान अपना ये शूट स्पेल कम्प्लीट करके इंडिया वापस लौटने वाले हैं और इससे पहले फिल्म की शूटिंग लंदन में की गई है। आपको शाहरुख खान के बारे में जानकर कैसा लगा और आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।